वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जस्टिन जोसेफ। आज हम दूसरा एक प्रोसीजर करने वाले हैं, मेडिकल से रिलेटेड प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर का नाम है राइज ट्यूब फीडिंग, जिसको हम शॉर्ट में आरटी फीडिंग भी कहते हैं। तो हमें पहले समझना है कि ये राइज ट्यूब फीडिंग होता क्या है। जिस पेशेंट को मुंह से खाना खाने में दिक्कत होता है, असमर्थ हो जाता है, तो ऐसा पेशेंट को हम नाक के द्वारा एक ट्यूब को डाला जाता है, वो स्टोमक तक होंगे। उस ट्यूब के द्वारा हम पेशेंट को लिक्विड डाइट में खाना खिलाएंगे, तो उस ट्यूब को हम राइज ट्यूब फीड कहते हैं। तो ये जो हम पेशेंट है, ये डम्मी है, मैनिक्विन में हमने ऑलरेडी एक राइज ट्यूब लगा के रखा हुआ है। तो ये जो राइज ट्यूब है, ये अलग अलग साइज में आता है। ये जो ऑरेंज कलर की टिप है, और इसका जो साइज यहाँ पे लिखा होता है, आप देख सकते हैं, 16 साइज की ट्यूब है ये। और इस ट्यूब में आपको कुछ मार्किंग्स दिखेंगे यहाँ पे, 70 सेंटीमीटर। अभी जो ट्यूब है हमने 60 सेंटीमीटर में फिक्स किया हुआ है, और इसके अंदर 50 सेंटीमीटर भी है। तो 50, 60, 70 ऐसे तीन मार्किंग होते हैं नॉर्मली राइज ट्यूब में। ये पेशेंट का हाइट के हिसाब से डाला जाता है। तो अभी हम इसको 60 पे फिक्स करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इसका प्रोसीजर कैसे करना है। तो राइज ट्यूब फीडिंग के लिए हमें आर्टिकल्स भी चाहिए, तो आर्टिकल्स हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें एक ग्लास में हमने जो फीड हमें पेशेंट को देना है, वो फीड हमने रखा हुआ है, और दूसरे ग्लास में ड्रिंकिंग वाटर हमने रख दिया, ठीक है। एक बिग ट्रे है, और बिग ट्रे के अंदर हमने एक किडनी ट्रे रखा हुआ है। एक 50 ml टम्मी सिरिंज रखा हुआ है, 50 ml का टम्मी सिरिंज ये है। इसको हम पिस्टन से हटा के रखेंगे इस तरीके से। और हमारे पास एक 10 ml का सिरिंज, छोटा सिरिंज है, और एक स्पून रखा हुआ है, और स्मॉल टमर। आर्टिकल्स में हमें, अगर आप नीड है तो आप एग्जामिनेशन ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट को ऐसा बीमारी है जो ट्रांसमिट कर सकते हैं तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको ग्लव्स की जरूरत वैसे नहीं है। और हमें अगर कोई मेडिसिन पेशेंट्स को देना है, कोई टैबलेट हो या सिरप हो, तो हमें उसको मेडिसिन क्रशर में पहले से क्रश करके हमें जो फीड है हमारा, उस फीड में हमें मिला के रखना। तो आर्टिकल्स ये हो गए। आर्टिकल्स इकट्ठा होने के बाद हमें वही प्रोसीजर से पहले हमें हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश के बाद हमें पेशेंट को पोजीशन देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेशेंट को सीधा लिटा के फीड खिलाएगा तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पेशेंट को हमें मिनिमम 45 से लेके 90 डिग्री पे उठाना है। तो एक बार हम पेशेंट को अच्छी तरफ पोजीशन दिया 45 डिग्री पे, उसके बाद हमें पेशेंट के चेस्ट पे एक स्मॉल टॉवल को बिछा के रखना है। इस तरीके से टॉवल बिछा के रख देंगे। एक बार बिछाने के बाद ट्यूब हम चेक कर सकते हैं कि ट्यूब सही जहाँ पे हमने फिक्स करके रखा हुआ है उस पॉइंट में है, ये आगे पीछे निकला तो नहीं, ये आपको चेक करना है। ये हमने चेक किया, सही जगह पे है, ये 60 सेंटीमीटर में हमने इसको फिक्स किया हुआ है। अब हमारे जो फीड जो है, ये फीड है और ये नॉर्मल वाटर है। फीड को एक बार हमें चेक करके देखना है कि फीड ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर ज़्यादा गर्म है तो पेशेंट के स्टोमक जलने का भी चांस है, और अगर ज़्यादा ठंडा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से प्रॉपर काम नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपको चेक कर सकते हैं। ये चेक करने, और कोई मेडिसिन हमें देना है पेशेंट को, कोई टैबलेट है, कैप्सूल्स वगैरह है, तो हमें उसको एक मेडिसिन क्रशर में अच्छा से क्रश करके हमें उस फीड के अंदर उसको मिला के रखना है। अब हमारी ये फीड वगैरह रेडी है। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले एस्पिरेट करके देखना है कि इससे पहले जो फीड हमने दिया है वो ठीक से डाइजेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो चेक करने के लिए हमें ये जो 10 ml की सिरिंज उठा के ये जो ट्यूब है उसको एक बार पिंच करना है, और जो स्मॉल इसका ढक्कन है, छोटा सा ढक्कन, उसको खोल के उस पर फिक्स करना है, फिर उसको ट्यूब को सीधा करना है। उसके बाद हम इसको आराम आराम से खींच के देखना है। अब देखो इसमें कुछ लिक्विड जा रहा है, जो ट्यूब में जो वाटर है वो आ सकता है, और नीचे से पेशेंट का जो पिछले पहले का जो फीड है अगर वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो वापस भी आ सकता है। अगर सोचो आपको 30 ml से भी ज़्यादा फीड रिटर्न वापस आता है, तो फिर हमें उस समय फीड नहीं देना है, क्योंकि जो पेशेंट का पहला जो फीड है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अगर 30 ml से नीचे आता है या कुछ एयर आता है, देखो अभी इसमें एयर आ रहा है, तो उसके मतलब है अब उसका स्टमक में कुछ है नहीं, तो हम नेक्स्ट फीड उनको दे सकते हैं। तो हम इसको निकाल के वहां पे हमने जो टम्मी सिरिंज है, हमने फीड देने के लिए जो यूज करते हैं, उस टम्मी सिरिंज को लगाना है। तो टम्मी सिरिंज का ये टिप जो है बड़ा है, तो आपको बड़ा वाला जो ढक्कन है उसको ओपन करना है, ये बड़ा वाला है, और इसमें आप ये इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद आपको इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे पकड़ना है, ताकि नीचे से ये बंद है और ऊपर से आप उसकी सिरिंज को ठीक से पकड़े। अब हमें क्या करना है,
जो फीड है हमारा जो बन के रखा हुआ है, ये जो फीड है ये कोई भी जूस हो सकता है, दाल के पानी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, प्रोटीन पाउडर हो सकता है, जो डॉक्टर ने लिखा है डाइट के हिसाब से वो हमें इसमें डालना है, फिर धीरे धीरे इसको छोड़ना है। तो ये जो ग्रेविटी फोर्स है, उस ग्रेविटी फोर्स से ये नीचे की तरह चले जाएंगे। जब उसमें 5 ml आएगा तो आपको उसमें रोक के रखना है, और आपको इस तरीके से जितना भी डॉक्टर ने जो लिखा है वो सारे के सारे आपको पेशेंट को देना है। फीड जितना आप इसको ऊपर करेंगे उतना ग्रेविटी फोर्स में ये जल्दी स्पीड में जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं इसको। इस तरीके से आपको देना है। जब भी आप दे देगा एक चीज का क्लियर ध्यान रखना, इसके अंदर एयर नहीं जाना है। अगर बार बार पेशेंट की ट्यूब से एयर जाएगा स्टमक में तो पेशेंट को गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन होने का, डायरिया होने का भी चांसेस है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो मैंने जितना भी हमारा फीड था वो पूरा फीड मैंने डाल दिया, दे दिया पेशेंट को। अब जो एंड में आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से दोबारा होल्ड करना है और इसमें आपको वाटर डाल के इसको फ्लश करना है। अब 10 या 20 ml आपको पानी डाल सकते हैं उसमें और उसको फ्लश करना है। तो ट्यूब भी साफ हो गए एकदम से, और उसमें भी लास्ट में जो बचेगा 5 या 10 ml उसको हमें किडनी ट्रे में इस तरीके से निकालना है। फिर आप सिरिंज को नीचे से खोल देंगे, उसको रखेंगे, जो बड़े ढक्कन है उस बड़े ढक्कन को बंद ठीक से करेगा, फिर उसके बाद आप उस ट्यूब को छोड़ देगा। ट्यूब को एक साइड में रखना है ताकि पेशेंट का ध्यान में ज्यादा ना आए, और जो टवल है टवल को अंदर की तरह फोल्ड करके निकालना है। ठीक है, जो हमारे सामान है आर्टिकल्स वो सब आपको वापस अपने अपने जगह पे सेट करके रखना है। उसके बाद जब भी पेशेंट को राइज टू फीडिंग देता है, फीडिंग देने के बाद कभी भी पेशेंट को एकदम से नीचे नहीं लिटाना है। जैसे हम भी खाना खाने के बाद एकदम हम लेटते नहीं, सेम पेशेंट को भी हमें नीचे नहीं करना, पेशेंट एस्पिरेट होने का चांसेस ज्यादा है। तो मिनिमम आपको आधा घंटे या एक घंटे तक पेशेंट को इस कंडीशन में रखना है। उसके बाद आपको चाहिए तो पेशेंट को नीचे कर सकते हैं या बिठा सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। और अगर कोई फिजियोथेरापिस्ट आते हैं, फिजियो वगैरह कराते हैं, ये भी ध्यान रखना पेशेंट को खाना खिलाने के बाद, मतलब फीड देने के बाद तुरंत पेशेंट का कोई एक्सरसाइज फिजियो वगैरह नहीं कराना है। और जो सारे प्रोसीजर होने के बाद हम दोबारा हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश करने के बाद हमारी सबसे लास्ट काम डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में हम नॉर्मली 3 columns, पहले भी मैंने बताया है, टाइम का एक कॉलम होगा, तो उस टाइम पे अभी 4:30 बजे है शाम को, तो 4:30 PM लिखेंगे। एक्टिविटी का जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे राइट्स टू फीडिंग, एंड लास्ट जो रिमार्क्स के कॉलम है उसमें हमें लिखना है कि हमने क्या दिया है पेशेंट को, कितना दिया है, क्या हुआ है, ये सब लिख सकते हैं। मतलब क्या दिया, मतलब हमने क्या दिया, अभी हमने उनको जूस दिया था तो हम जूस लिखेंगे उसमें। उसके बाद हम लिखेंगे उसमें कितना ml दिया, तो हमने अभी 200 ml दिया था जूस, तो वो 200 ml लिखेंगे। उसके बाद फीड देते समय कोई प्रॉब्लम्स था वो सब हम इसमें लिखेंगे। और कभी कभी क्या होता है, इसको बार बार यूज करने से इसका जो टिप है ये ढक्कन ये खराब हो जाता है, या इसको बार बार फोल्ड करने से यहाँ पे लीकेज हो सकता है। तो ऐसे कुछ भी चीज है तो आप इसको रिमार्क्स में लिख सकते हैं और अपना पेशेंट फैमिली को या डॉक्टर को बोल के उसको चेंज भी करा सकते हैं। तो राइज ट्यूब का जो चेंजिंग है वो नर्स या डॉक्टर करता है, GDA का जो स्टूडेंट है वो इस चीज को नहीं कर सकता है, ये भी मन में रखना। तो ये है कंप्लीट राइज ट्यूब फीडिंग देने का प्रोसीजर। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रोसीजर देख के आएंगे। तब तक सबको बाय बाय, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना भूलना मत, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तुम्हारे आपकी दोस्त लोगों को भी भेजना। बाय।